Hello friends, welcome to Smart Study. My name is Mohit. Today I have prepared you the most important one word substitution which have come in the previous year's exams. This is the part 1 in which I have covered almost 30 one word substitution which are important for upcoming exams like SSC, CGL, SSC, CHSL and other bank and competitive exams. By not wasting the time, let's start with the first one. A person who insists on something, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो एक ही चीज़ से चिपका रहे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं stickler. The correct answer is B, stickler. आप सभी लोग जानते हैं instantaneous का मतलब, disciplinarian का मतलब जानते हैं, अनुशासित व्यक्ति. चौथा है हमारा boaster. Boaster मतलब डींगे मारना, जो व्यक्ति बहुत डींगे मारता है, बड़ी बड़ी हाँकता है. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, इसका आंसर होगा हमारा ओलिगार्की. एक ऐसा राज्य जहां कुछ लोगों द्वारा बहुत सारे लोगों पर शासन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार. पहला है हमारा मोनार्की. मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन. अगला है प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल्स. ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मींस डिक्टेटरशिप. आगे की तरफ बढ़ते हैं. अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइटर होता है वो अपने राइटिंग स्किल्स को शो करता है, ऐसे स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, पेडेंटिक. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. दूसरा है हमारा वर्बोज. वर्बोज का मतलब होता है बातों से भरा हुआ. बहुत सारे वर्डों को अपनी राइटिंग्स के अंदर यूज कर लेना, जिससे क्या होता है कि हमें समझने में मुश्किल होती है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉम्पस. पॉम्पस हम किसी फेस्टिवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉम्पस. नेक्स्ट है हमारा ऑर्नेट. ऑर्नेट मतलब सजा हुआ, कोई चीज़ सजी हुई हो उसको कहते हैं ऑर्नेट. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अ पर्सन प्रटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ और होने का दिखावा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इम्पोस्टर. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहरूपिया. बाकी मतलब आपको पता ही है. पहला है मैजिशियन. मैजिशियन मतलब जादूगर. दूसरा है रोग. रोग मतलब दुष्ट व्यक्ति, अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति. थर्ड है लायर, जो झूठ बोलता है. अगले की तरफ बढ़ते हैं. अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरन लैंग्वेजेस, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा जो बहुत सारी फॉरन भाषाएं जानता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं लिंग्विस्ट. पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसका मतलब भी यही है. बायलिंगुअल मतलब जो दो लैंग्वेजेस जानता हो, हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब. टॉम्ब आपको पता ही है, कब्र को बोलते हैं. कब्र के ऊपर जो पत्थर पे लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है किसकी कब्र है, इसको बोलते हैं हम एपिटेफ. एपिटोम मतलब क्या होता है कि अ पर्सन और अ थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वालिटी और टाइप. एपिस्टल का मतलब होता है अ लेटर. और थर्ड है हमारा एपिलोग. एपिलोग मतलब होता है उपसंहार, कंक्लूजन, जो हमारा आखिरी में लिखा होता है. अ शॉर्ट पैसेज एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक. आगे की तरफ बढ़ते हैं. वन हु इज नॉट इजिली प्लीज बाय एनीथिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से नहीं मनाया जा सकता, मतलब नखरेबाज आदमी, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस.
मेडन आपको पता ही है कि पहला प्रथम जो होता है, मिडाइवल मींस बीच में जो होता है, मिडल एजेस में, और तीसरा है हमारा प्री कैरियस, इसका मतलब होता है कि अनिश्चित, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, मतलब कि किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि सभी बीमारियों का एक रामबाण इलाज, उसको हम बोलते हैं पेनेशिया। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला है स्टोइक। स्टोइक आपको पता ही है कि अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जैसे दुख और खुशी से कोई मतलब नहीं होता। मार्वल मींस होता है अ वंडरफुल और एस्टोनिशिंग पर्सन, मींस चमत्कार। आखिरी हमारा रिकम्पेंस। रिकम्पेंस मतलब होता है बदला चुकाना, द एक्ट ऑफ कंपेंसेटिंग फॉर सर्विस और लॉस और इंजरी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बेलिकोस। एग्रेसिव आपको पता ही है, बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट मींस युद्धरत। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनिमी और एन ईगर टू फाइट। मिलिटेंट आपको पता ही है, उग्रवादी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इसका सही आंसर होगा इलेजिबल। नेग्लिजिबल आपको पता ही है, ना के बराबर, इनसिग्निफिकेंट। और अगला है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब अनुचित। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के होने पर विश्वास नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिक। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। अब एथीस्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्नोस्टिक होता है जो भगवान के होने पर भरोसा नहीं करता, और एथीस्ट होता है जो भगवान पर ही भरोसा नहीं करता, हो या ना हो उसको भरोसा ही नहीं है। नास्तिक भी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, एथीस्ट। और चौथा है थीस्ट। थीस्ट मतलब जो भगवान पर भरोसा करता है, उसकी पूजा करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ पेपर रिटर्न बाय हैंड, उसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। बी हमारा सही आंसर है, मैन्यूस्क्रिप्ट। अ पेपर रिटर्न बाय हैंड, अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी को कहते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। हमारा सही आंसर होगा डी, ऑर्निथोलॉजी। और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है मेडिकल साइंस की ऐसी फील्ड जिसमें हम आँखों के बारे में पढ़ते हैं। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डीलिंग विद स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ द आई। ऑप्टोलॉजी आपको पता ही है, साइंस ऑफ टेस्टिंग आईज फॉर लेंसेज। और आखिरी बचा हमारा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ माउंटेन्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अ बुक दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर इट्स राइटर्स डेथ, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। बाकी ऑप्शंस हैं, सेकंड है ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। बास्टर्ड आपको पता ही है, गाली देना किसी को। प्रोगेनेटर, प्रोगेनेटर मतलब पूर्व, जिससे वो ओरिजिनेट हुआ है, एंसेस्टर्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, मतलब कि कोई बंद जगह है उससे आपको कोई डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। बाकी हैं एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया मतलब पानी से डर, फियर ऑफ वाटर।
अगला है बोटैनोफोबिया। बोटैनोफोबिया मतलब फियर ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों से डर। अगला है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मीन्स फियर ऑफ स्टीलिंग और बीइंग स्टोलन, चोरी होने से डर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जिसमें पास्ट के बारे में ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे एक्ट को कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव, जिसमें पुरानी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अगला देखते हैं पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल, नेटल मतलब बच्चे के पैदा होते के टाइम जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने के बाद का समय। अगला है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब किसी अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ में कन्वर्ट होना, फ्रॉम अ बेटर टू अ वर्स स्टेट। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ एन अर्ली स्टेज इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की डेवलप करने की उसमें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अदर्स नीड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, दूसरों की क्या ज़रूरतें उसे कोई मतलब नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिक। ईगो मैनिकल मतलब होता है साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी, जो सिर्फ अपने नीड्स के बारे में सोचता हो। ईगोइस्टिक होता है द क्वालिटी बिलीविंग इन सेल्फ एडवांसमेंट, अपने ही उद्धार के लिए। और तीसरा है ईगोटिस्टिक, द क्वालिटी टेकिंग टॉकिंग अबाउट अकम्प्लिशमेंट। ईगोटिस्टिक मतलब सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो सिर्फ अपनी ही डिजायर्स में घिरा रहता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे समझाया ना जा सके, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल। बाकी भी देख लेते हैं। अनथिंकेबल दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड और पॉसिबल। अगला है इम्प्रेग्नेबल, अनेबल टू बी ब्रोकन इनटू, जिसको तोड़ा ना जा सके। अगला है मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में मुश्किल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेज ऑफ लैंड, मतलब दो लैंड हैं बड़े बड़े, उसको जो कनेक्ट करेगा बीच में से छोटा पतला सा लैंड, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जिसको दुख और खुशी से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्टोइक। जिस बंदे को दुख और सुख से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स रिलेटिंग टू मिस्ट्रीज। हिस्ट्रिक, हिस्ट्रिक मतलब होता है अ वाइडली इमोशन रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन। और एनार्किस्ट, एनार्किस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो भरोसा करता है एब्सेंस ऑफ हायरार्की। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिशेस, इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना। और तीसरा होता है हमारा सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, जो कभी गलती नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इनफेलिबल। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, हर आदमी कभी ना कभी कोई गलती करता ही है, तो जो कभी ना गलती करता उसको बोलते हैं इनफेलिबल। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सही ना किया जा सके, सही ना किया जा सके, करेक्ट ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और चेंज्ड। इनएफेबल, इनएफेबल मतलब होता है अनस्पीकेबल, जो बोल नहीं पाता हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो, अनस्पीकेबल और बियॉन्ड एक्सप्रेशंस इन वर्ड्स। अगला है इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल मतलब इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट और स्टॉप। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, जिसको कभी मनाया ना जा सके, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। बाकी भी देख लेते हैं। ऑब्स्टिनेट,
ऑब्स्टिनेट मतलब होता है कि जो एक ही ओपिनियन पे अड़ा रहे, मतलब स्टबर्नली एडहरिंग टू एन ओपिनियन। अनकॉन्क्वरेबल, अनकॉन्क्वरेबल मतलब जिसे कभी कॉन्क्वायर ना करा जा सके, मतलब जिस पे जीता ना जा सके। नॉट कॉन्क्वरेबल एस्पेशली अ लार्ज प्लेस। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, वेटरन। बाकी भी देख लेते हैं, स्टेलवर्ट, स्टेलवर्ट मीन्स लॉयल रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, जो मेहनती हो। पेडेंटिक, पेडेंटिक मतलब जो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता हो। इटिनरेंट, इटिनरेंट मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो बहुत ज़्यादा घूमता हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो बिना किसी वजह के, बिना किसी पॉइंट पे आए हुए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गैरुलसनेस। वर्बोसिटी आपको बताइए, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। लोक्वेसिटी, लोक्वेसिटी मतलब होता है क्वालिटी ऑफ टेकिंग अ ग्रेट डील। सरकमलोक्यूशन, घुमा फिरा के बात करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। इकोलॉजी आपको बताइए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। एम्ब्रियोलॉजी आपको बताइए, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट। बायोलॉजी आपको बताइए, स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग मैटर्स। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, भगवान के खिलाफ उल्टा सीधा गलत शरत बोलना, ऐसे क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्लेस्फेमी। बाकी आपको बताइए, आगे की तरफ पढ़ते हैं, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, एक ऐसा बच्चा जो खो गया है, जो उसके माता पिता का नहीं पता हमें, वो किसी और को मिल जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फाउंडलिंग। आगे बढ़ते हैं, वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मीसोगाइनिस्ट। मीसोगाइनिस्ट आपको बताइए, जो व्यक्ति शादी से नफरत करता हो, वन हु हेट्स मैरिज। अगला है एस्केटिक, एस्केटिक मतलब होता है तपस्वी। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट आपको बताइए, जो दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों के वेलफेयर के बारे में, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सभी, इसका आंसर है पेनेशिया, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों की दवा। अगला है लेक्सेटिव, लेक्सेटिव का मतलब होता है रेचक, हिंदी में बोलते हैं इसको रेचक, मुलायम करने वाली दवा। एंटीडोट आपको बताइए, जहर की काट, जहर को काटना, अ रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। प्यूरगेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को साफ करना, प्यूरिफाई करना। आगे की तरफ चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।